हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष और आप सब देख रहे हैं आर्ट क्लब। सो गाइस, आज आपको मैं सिखाऊंगा गिटार कॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा, गिटार नोट्स के बारे में बताऊंगा, और इनकी एक सीरीज फॉलो करनी होती है उसके बारे में बताऊंगा। सो गाइस, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्क्रीन पर ए डैश लिखा होगा, बी सी एक साथ लिखा होगा, फिर डैश, फिर डी, फिर डैश, फिर ई एफ, फिर डैश, फिर जी, फिर डैश, फिर ए। ये जितने भी है ये सारे हमारे सुर होते हैं, ठीक है, और इनको कॉर्ड्स में भी यूज़ होगी आपके, ये नोट्स में भी यूज़ होती है। गाइस, सीरीज में सबसे पहले ए लिखा है ना, आपको ए पकड़ना है। बी पे जाने के लिए आपको ए छोड़ के बी पे जाएंगे, ए छोड़ के यहाँ पे बी, यहाँ पे बस एक बार लग जाएगा, फिर कोई गैप नहीं देना। उसके बगल में ये सी, आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं, फिर एक छोड़ के डी है, डी, फिर एक छोड़ के ई है, ओके गाइज। गाइस, कॉर्ड सीरीज है वैसे इतनी मुश्किल नहीं है, आप बस थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। अभी आपको मैं आप ये भी कह सकते हैं ये कॉर्ड सीरीज है, कॉर्ड फाइंड करने का फॉर्मूला है। जितने भी आगे आपको कॉर्ड्स यहाँ पे आपको पता नहीं होंगे, इनको फाइंड करने के लिए इस सीरीज के साथ आप कर सकते हैं इन कॉर्ड को फाइंड। और हाँ गाइस, मैं अभी आपको जितने भी बताऊँगा ना, मेजर कॉर्ड्स के बारे में बताऊँगा, शार्प माइनर कॉर्ड्स में अभी आपको मैं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। तो गाइस, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आप ई पकड़िए, यहाँ पर नट है ना, ये नट यहाँ पे मान ले एक बार है, ओके गाइस। हम यहाँ पे बार इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले से नट होता है। अब एक तरीके से आपको मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, तो इसलिए आप यहाँ पे इसको बार मान लीजिए। अब आपको एफ पे जाना है, तो नीचे इसके बगल में ही एफ, एफ बगल में। अगर आपको जी पे जाना है तो जी पे एक गैप देना पड़ेगा, ए जी। अब आपको ए पे जाना है तो एक गैप देना पड़ेगा। ये गाइस, आप हर कहीं कोई किस कोई से भी ओपन कॉर्ड्स में आप फॉलो कर सकते हैं। आप जैसे डी कॉर्ड पे फॉलो करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं बार लगा देता हूँ। अगर आपको ई पे जाना है तो ये एक गैप का फॉलो, ऐसे ही आगे तक ये फॉलो कर सकते हैं आप कोई किस किसी भी कॉर्ड्स में। सी कॉर्ड्स पे फॉलो कर लीजिए, ए कॉर्ड पे फॉलो कर लीजिए, जी पे कर लीजिए। सो गाइस, मैंने भी आपको जितना भी बताया वो सारा मैंने भी आपको कॉर्ड्स की सीरीज के बारे में बताया था। अब मैं आपको नोट की सीरीज के बारे में बताता हूँ। अब जैसे आपने कॉर्ड की सीरीज में आप कॉर्ड आगे के फाइंड कैसे करते थे, आप जितने भी ओपन कॉर्ड्स होते हैं उनसे आप आगे कॉर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको नोट्स फाइंड करने हैं तो जितनी भी आपके ओपन नोट्स हैं, जैसे ओपन नोट हो, ओपन नोट है ई बी जी डी ए ई, ये जितने भी नोट हैं ये सारे ओपन नोट हैं, और इनको जो वैसे स्ट्रिंग कहते हैं। ओके गाइस, अब ये जैसे ए, इसको नोट मान लो आप, ई ई नोट, ई के बगल में क्या लिखा हुआ है, एफ। अब जी पे जाने के लिए एक गैप देना है, ए पे जाने के लिए एक गैप देंगे, बी पे जाने के लिए एक गैप देंगे, फिर सी उसके बगल में लिखा हुआ है, ओके गाइस। अब ऐसे ही एक 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 अपॉइंट करते हैं। अब ए स्ट्रिंग है, ऊपर से फिफ्थ स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग है, ओके गाइस। ए तो ये नोट पहले से प्ले कर ही रही है, तो अब आपको बी नोट कैसे फाइंड करना है, ये आपने ये जो वाला नोट है इसको छोड़ के ये बी नोट हो गया, ये ए नोट, ए को छोड़ा बी, इसके बगल में सी, अब डी पे जाने के लिए एक ये छोड़ा, अब ई पे जाने के लिए एक ये छोड़ा, ई, एफ पे जाने के लिए इसके बगल में ही एफ, वो नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। सो गाइस, ऐसे ही आप कोई से भी नोट्स फाइंड कर सकते हैं।
सो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हाँ गाइस सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा।